बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिस्पी फ्राइज रोल पोटैटो चिप्स। इसके लिए हमें चाहिए आलू। आलू के हम छिलके रिमूव करेंगे। इसी तरह तमाम छिलके हम रिमूव करेंगे। ये बच्चे बड़ों सबकी पसंद है और रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। ये बहुत मज़े से खाई जाती है, आप बनाएं, ट्राई करें। ये देखें, अब हम आलू के स्लाइस काटेंगे, चिप्स स्लाइस। जितने बारीक होंगे उतने ही अच्छी हमारी चिप्स रोल बनेंगे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे किसी वजूहत की बिना पर काम करना छोड़ दिया था और अब मैं दोबारा चैनल पे काम करना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि तमाम बहन भाई मुझे इसी तरह सपोर्ट करेंगे और जिस तरह आपने मुझे पहले सपोर्ट किया है, उम्मीद है आप इसी तरह मुझे दोबारा भी सपोर्ट करते रहेंगे। मेरे चैनल पे आप अगर विज़िट करेंगे तो वहाँ एक आपको बहुत अच्छा चैनल मिलेगा, ब्यूटी टिप्स विद साजदा के नाम से। वो चैनल पे बहुत अच्छा काम कर रही है और आपके मियाद के मुताबिक आपको अच्छी से अच्छी रेमडी मिलेंगी जो आप, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप उसे भी सपोर्ट करेंगे। आप तमाम बहन भाइयों की सपोर्ट से ही हमारे हमें कामयाबी मिलती है। उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी साथ प्रेस करना ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ब्यूटी इतनी है, जितनी बारीक होंगी कटर से या हाथ से जैसे भी, तो वो उतने ही हमारे ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ये देखें, ये तमाम जो है इनकी कटिंग इतनी है। अब हम इन्हें वॉश करेंगे ताकि इसका जो अपना स्टार्च है वो निकल जाए। इसे मैंने उस वक्त तक धोना है जब तक इसका जो तमाम स्टार्च है आलू का अपना, ये ख़त्म ना हो जाए। इसे 2 से 3 बार पानी में मैंने धोना है। कम पानी मैंने ना इसे 2 से 3 बार मैंने निकाल दिया। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फैला, इसे तमाम अच्छी तरह फैलाएंगे ताकि इसका जो पानी है खुश्क खुश्क हो जाए। पेपर टॉवल से या टिश्यू पेपर से आप इसे तो अच्छी तरह इनका पानी जो है ये खुश्क कर लें। ये देखें, अगर पंखे के आगे आप रख कर भी इनका पानी खुश्क कर सकती हैं, तो इनका तमाम पानी खुश्क हो जाएगा। अब हम इनके अंदर इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर 1 से 2 चम्मच ना इन तमाम के ऊपर हम कॉर्नफ्लावर छिड़केंगे। थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लावर तमाम के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। ये देखें, अब हम इनको ये डबल करेंगे ताकि जो इसके अंदर थोड़ी बहुत नमी है वो ख़त्म हो जाए। ताकि जो ये है इनके दोनों तरफ कॉर्नफ्लावर जो है वो लग जाए। इन्हें ये स्टार्च डालकर इन्हें अच्छी तरह हिला दें ताकि दोनों साइड पे जो है ये स्टार्च लग जाए। कॉर्नफ्लावर स्टार्च एक ही चीज़ है। रोल बनाने के लिए हमें 2 पीस चाहिए। 2 पीस लेंगे, इन्हें जोड़ेंगे। इसके अंदर और कोई चीज़ हमने अभी ऐड नहीं करनी। ये देखिए, जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे फिर आपको बताएंगे कि हमने इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है। ये हम 2 पीस लेंगे, इनको ऐसे रख के हम इसको थोड़ा सा रोल करेंगे। ये देखिए, इसी तरह हम तमाम रोल इसके तैयार करेंगे। बड़ा आसान काम है, इसे पास हमने इस तरह रोल करना है। जैसे ही तो इसके अंदर टूथपेस्ट ऐड करके इसे हम रख देंगे। ये तमाम हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। आइए चलते हैं तलने की तरफ। रोल जो है वो घी के अंदर ऐड करेंगे।
अब हम इसे फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। इसी तरह हम इनकी साइड बदलेंगे। इन्हें गोल्डन होने तक पकाएंगे। दोनों तरह से बहुत अच्छी तरह तले जा चुके हैं। ये देखें, ये क्रिस्पी हो चुके हैं। ये देखें, इनकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। अब हम इन्हें निकालेंगे। ये देखें, क्रिस्पी रोल पोटैटो हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। इसी तरह हम जो मेरे पास मसाला है, मैं इसे भी इनके अंदर ऐड करूँगा। इनकी साइड बदलना शुरू करेंगे। साइड सिर्फ हमें एक ही दफ़ा बदलनी है। एक साइड से एक दफ़ा पक जाएंगे, दूसरी साइड से दूसरी दफ़ा तले जाएंगे। ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि चिप्स तो खाना बच्चों की पसंदीदा चीज़ है। ये भी हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखें, अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।